बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। आई एम मोहम्मद सलमान एंड यू आर वॉचिंग मोहम्मद सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल यू अगेन इन दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर। एंड एज यू नो द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग अ जॉब इन सम प्रोडक्शन और मैनुफैक्चरिंग कंपनी। So this is very important methods and techniques which we will cover in this lecture, inshallah. Statistical controls, S for statistical, Q for quality, and C for control. Concept of quality. As I told you in last lectures, what is quality? Quality is degree of excellence. All attributes of the product is called quality. Characteristics of any product is also called quality. Quality refers to the sum of the attributes or properties that describe a product. These are generally expressed in terms of specific product characteristics such as length, weight, color, etc. Quality किसी भी product की वो तमाम attributes और property होती हैं जो उस product के बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी product की आप length को देखें, width को देखें, weight और color को देखें तो वो उसकी quality के बारे में आपको बता रहे होते हैं। दीज आर जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इनको हम एक्सप्रेस करते हैं किस सूरत में, किसी प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक की सूरत में। मिसाल के तौर पर आप कोई पेन बना रहे हैं, आप कोई मार्कर, बोर्ड मार्कर टाइप बना रहे हैं, या कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं, उसका आपने क्या लेंथ आपने डिसाइड की थी, वेट बाय वेट और कलर, और क्या अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक ही वो फिनिश गुड्स की सूरत में आपके सामने आई और एंड यूजर जो उसका कस्टमर है वो उसकी चॉइस और उसकी नीड के मुताबिक उसको मिली और वो उसे सेटिस्फाई हुआ। क्वालिटी कंट्रोल, लेकिन जितने भी क्वालिटी क्रिएशंस के प्रोसेसेस होते हैं उनको कंट्रोल करना बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स दीज दोज एक्टिविटीज विच श्योर दैट क्वालिटी क्रिएशन इज परफॉर्म इन सच अ मैनर that the resulting product will perform its intended functions. जितने भी steps हैं या process हैं quality creations से जिनसे गुजर कर कोई product जो है वो अपने end shape पर आती है और उसके अपने एक functionality जो है वो अख्तियार करती है और customers को use करते हैं वो मुतमईन होता है, उसको हम कहते हैं कि जी quality control, यानी कि हर process हर step पर उसकी quality को कंट्रोल किया जाता है। जैसे हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैंने आपको डिटेल में बताया था लेक्चर में कि क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो किसी भी इंडस्ट्री और या किसी भी बड़ी कंपनी का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो ये क्वालिटी के तमाम प्रोसेसेस को देख रहा होता है। अब देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। वन इज इनपुट, सेकेंड इज कन्वर्जन, थर्ड इज आउटपुट। इनपुट में हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल पार्ट्स एंड सप्लाईज क्या उसके अकॉर्डिंगली हमने बाई किए हैं जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी उसके मुताबिक है, उसकी क्वांटिटी उसके मुताबिक है, उसके पार्ट्स सप्लाईज हर चीज़। फिर हम उसका एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं कि जो चीज़ हमने ली क्या वो अकॉर्डिंगली उस मैार के मुताबिक है जो जिस मैार को सामने रखते हुए हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम बनाने जा रहे हैं। अगर एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर उसकी क्वालिटी को ऑफ इनपुट को इंश्योर किया जाता है। उसके बाद हम कन्वर्जन में आ जाते हैं। कन्वर्जन बेसिकली उसका प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जितने भी प्रोसेस उसके प्रोडक्शन के हवाले से इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कन्वर्जन प्रोसेस कहते हैं। कन्वर्जन प्रोसेस में डिफरेंट कंट्रोल चार्ट्स होते हैं। हम क्वालिटी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल दो तरह से कर रहे होते हैं, जो है उसके कंट्रोल चार्ट्स की मदद से भी और जो है वो उसका हम थ्योरेटिकल भी देख रहे होते हैं। कन्वर्जन में क्या हो रहा है जी, आपके प्रोडक्शन प्रोसेसेस को देखा जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको उसका ख्याल रखा जा रहा है, कंट्रोल चार्ट्स की मदद से उसको एनालाइज किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसकी सेमी फिनिश गुड्स को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि वो एंड फिनिश गुड्स तक जो है वो तमाम के तमाम बिल्कुल ठीक और क्वालिटी वाइज एज पर एस ओ पीज बेहतर हों। आउटपुट में आ जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आपने बना ली, आप उनको फिर एक्सेप्टेंस टेस्ट लगाएंगे, आप देखेंगे कि क्या जो आप चीज़ आपने बनाई क्या बिल्कुल उसके मुताबिक बनी है और क्या थोड़ा सा चेंज है, वेरिएशन थोड़ी है। क्योंकि देखें, मैंने आपको बताया था कि दुनिया के अंदर आप किसी भी बिजनेस से मुंसलिक हैं, अगर आप अपने कंपटीटर को बीट करना चाहते हैं तो क्वालिटी एक बहुत अहम टूल है। अब कस्टमर जो है वो क्वालिटी को समझता है,
अब वो ब्रांड या लॉयल्टी की तरफ नहीं जाता, बल्कि उसको अपनी किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए उसकी क्वालिटी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मिसाल इसकी देखिए कि अगर आप नोकिया फ़ोन यूज़ करते हैं तो क्या सारी उम्र नोकिया फ़ोन यूज़ करेंगे? या फिर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज हैं, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, क्यू है, सभी के मोबाइल्स लोग खरीदते हैं। ठीक है ना, कस्टमर अपने अपनी चॉइस, अपने नीड, अपने बजट के मुताबिक ही चीज़ों को खरीद रहा होता है। इसलिए वो एक दौर अब वो नहीं रहा जब लोग ब्रांड या क्वालिटी लॉयल्टी के पीछे भाग रहे होते हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो कंपिटिटर जो हमारे हमें कम्पीट कर रहा है मार्केट के अंदर, हम अपने उसके भी बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बाय करने के हवाले से। क्योंकि अगर हम इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट को फिर हम लास्ट में इंश्योर करते हैं, वो ये हमारा थर्ड प्रोसेस है। क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स में नंबर वन जस्ट इन टाइम, क्वालिटी एट सोर्स, इंस्पेक्शन, एसक्यूसी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसको हम देख लेंगे। जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि आपने ऐसा नहीं करना कि आपने जो आपको अगर कोई ऑर्डर मिला है 6 माह बाद और आप उसका 6 माह ऑर्डर भी अभी नहीं मिला और आप उसकी इन्वेंट्री भरना शुरू कर दें, स्टॉक अपना भरना शुरू कर दें, रॉ मटेरियल आप परचेज करना शुरू कर दें। जस्ट इन टाइम का मतलब है कि आपको ऑर्डर मिला, आपने उसके अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री ली, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन की और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है उसको डिलीवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपकी कॉस्ट आपका टाइम बचाता है, और जब ये कॉस्ट और टाइम बच जाए तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। क्वालिटी ऑफ एट सोर्स, देखें देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट पीपल इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग क्वालिटी। सो क्या है कि हर एक शख्स अपने लेवल पर, अपने सोर्स पर क्वालिटी को अगर जितने अच्छे तरीके से जो है वो मेंटेन रखेगा तो रिजल्ट्स जो हैं वो फिनिश गुड्स के अच्छे आएंगे। तो उसको हम कहते हैं क्वालिटी एट सोर्स। एवरी वन इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द क्वालिटी देयर, सो क्वालिटी जो है वो बेहतर है और कंट्रोलेबल है। इंस्पेक्शंस के आपके जो जो क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम है वो उसको इंस्पेक्ट करती है, उसको चेक करती है तमाम चीज़ों को, जिस लेवल पर भी वो कोई प्रॉब्लम देखती है, वो बेशक वो मशीन का कोई एरर हो, बेशक रॉ मटेरियल का कोई एरर हो, बेशक वो नेगलिजेंस हो, वो उसी वक्त उसको रोकती है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती है कि इससे पहले के कोई बड़ा नुकसान या कोई हार्मफुल रिजल्ट देखने को मिले। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से मुराद क्या है? जैसे कि आप नाम से भी जाहिर हो रहा है कि यू आर यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड टू मेंटेन और इम्प्रूव योर क्वालिटी। ठीक है, तो ये जो आप स्टैटिस्टिकल मेथडियोलॉजी के जरिए अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को अब जैसे मैंने बताया, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन द मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपके स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो आप यूज करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, मेंटेनिंग के लिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब आ जाएं बेसिकली एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल में किस तरह वर्क करता है। एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है कि आप प्रोबेबिलिटी सेट करते हैं कितने परसेंट चांस जो हैं वो सक्सेस के हैं और कितने परसेंट चांस इसके जो है वो फेलियर्स के हैं। जब कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमें बताती है कि कितने परसेंट हम लोग जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो हमने जिस तरह की हमने प्रोडक्ट बनानी है, मिसाल के तौर पर आप कोई पेन बना रहे हैं जिस तरह का आपने पेन बनाना चाहते हैं, तो कितने परसेंट चांस हैं कि वो सेम पेन आप बना लें, और कितने परसेंट चांस हैं कि थोड़ी सी वेरिएशन आए, और कितने परसेंट चांस हैं कि ज़्यादा वेरिएशन आए। इट इज़ कॉमन दैट व्हेन सेवरल आइडेंटिकल पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, सम आर लिटिल लार्ज एंड सम आर लिटिल स्मॉल, बट मोस्ट विल बी ऑफ द सेम साइज। एक जब आप बहुत सारे चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उसके हिस्सों को बना रहे होते हैं, तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी में ये आपको पता चलता है, यानी कि पहले आपका जहन इस चीज़ के लिए तैयार होता है कि थोड़ा सा चेंज आएगा, कुछ छोटे हो सकते हैं, थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो हैं वो सेम साइज़ के होंगे। अगर ऐसा होगा तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के मुताबिक वो एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, अगर ऐसी पोजीशन हो कि थोड़े से ही वेरिएशन आपको देखने को मिले तो क्या होता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ द आइटम्स बाय साइज इज प्लॉटेड विद साइज ऑन द हॉरिजेंटल स्केल। हॉरिजेंटल स्केल पर आप काउंट इसके साइजेस को ले आते हैं, एंड एंड काउंट ऑफ द वर्टिकल स्केल, अ नॉर्मल बेल शेप कर्व इज
ऑब्टेंड। अब देखें इसके साइजेस जो है वो आपने कहाँ पर रखे हैं, हॉरिजॉन्टल पर आपने सेट किया है, और इसके जो है वो वर्टिकल स्केल के ऊपर उसका काउंट को आपने रखा है। फिर आप ये देखेंगे सेंटर के अंदर वन है, ये अब 1 इंच आपने साइज सेट किया। 1 इंच के बाद क्या हुआ कि थोड़े से कुछ ऐसे थे जो आइटम्स जो उनके साइज थोड़े से कम हो गए, और कुछ ऐसे थे जो थोड़े से बढ़ गए। अब क्या हुआ, जब ये थोड़े छोटे रहे और थोड़े से बढ़ गए, तो जब हमने इनको मिलाया आपस में, तो ये एक बेल शेप कर्व जो है वो डिज़ाइन हो गई। यानी कि बेल शेप कर्व बताती है कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं है बल्कि थोड़ी सी वेरिएशन। अगर वेरिएशन बढ़ जाती तो ये फिर जो है वो आपके यहाँ से जो है इसका साइज और कम हो जाता, और यहाँ से ये और मजीद बढ़ जाता, तो ये शेप फिर उसकी चेंज हो जाती है। तो बेल शेप का मतलब क्या है, ये क्या बता रही है कि प्रोसेस कंट्रोलेबल है और इसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी वेरिएशंस हैं। अब इसमें दो चीज, देर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व, वन इज चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशन। चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि माइनर वेरिएशन, ये बताता है कि रीजनिंग करता है कि माइनर वेरिएशन है क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स में ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। वो उसके अगर थोड़ी सी वेरिएशन हो तो वो एक्सेप्टेबल होती है, अगर वेरिएशन ज़्यादा हो और टॉलरेंस टॉलरेबल ना हो तो फिर वो रिजेक्ट कर दी जाती है। मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रोबेबिलिटी सेट करते हैं तो उस वक्त आप स्टेटिस्टिकल टूल आपको बताते हैं कि इतने परसेंट जो है वो इसमें वेरिएशन आ सकती है, अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो फिर रिजेक्शन की तरफ जाएगी, और उससे कम होगी तो वो एक्सेप्टेबल होगी। तो बेसिकली चांस काजेज ऑफ वेरिएशन में होता क्या है, चांस काजेज ये वो रीजनिंग होती है जो बताती है कि जो वेरिएशन हैं क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स की वो माइनर में है और वो जो है वो एक्सेप्टेबल हो सकती हैं। और दीज ये आनी ही होती हैं अमूमी तौर पर, क्योंकि ये इनको ना तो ही कभी कंट्रोल हो सकती है और ना ही इनको प्रिवेंट किया जा सकता। अच्छा, असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशंस कौन सी होती हैं? असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशंस ये होती हैं कि आपकी मशीन्स की किसी पार्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल इम्प्रॉपर हो, आपके ऑपरेशंस नेगलिजेंस आ रहा है, तो फिर ये क्या है, ये ज़्यादा वेरिएशन का सबब बन जाता है। दीज कॉजेज आर एक्सटर्नल टू द प्रोसेस एंड कॉज लार्ज वेरिएशन इन क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स मेकिंग आइटम्स लाइबल टू बी रिजेक्टेड। दीज कॉज मेजर वेरिएशन इन क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स, दीज इंक्लूड वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन पार्ट्स, इम्प्रॉपर रॉ मटेरियल एंड नेग्लिजेंस ऑफ ऑपरेशन। वैन इट इज नोन दैट इम्प्रॉपर साइज इज मेड एज अ रिजल्ट ऑफ एन असाइनेबल कॉज, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप डिटेक्ट द कॉज एंड रेक्टिफाई। ये कहता है असाइनेबल कॉज ऑफ वेरिएशन हमें बताती हैं कि जो क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, उसकी वजह, उसकी रीजनिंग क्या है, कोई मशीन का पार्ट्स ख़राब था या फिर मटेरियल इम्प्रॉपर लिया गया था, ये नेगलिजेंस ऑफ ऑपरेशंस हैं जिसकी वजह से वेरिएशन ज़्यादा हैं, और वेरिएशन ज़्यादा होने की वजह से वो रिजेक्शन की तरफ जाएंगे। वो कहता है कि अगर आपको ये इसके इम्प्रॉपर साइज़ के बारे में जो है वो असाइनेबल कॉज के रिजल्ट की वजह से पता चल जाता है, तो उसको फौरी तौर पर रोकें, उसको डिटेक्ट करें उसके कॉज को और उसको ख़त्म करें। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस दैट अच्छा ये है इसके फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है कि जब बहुत ज़्यादा तादाद में आपके पास फिनिश गुड्स हो या कोई भी चीज़ हो या पॉपुलेशन हो जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, जिसके रिजल्ट देखना चाहते हैं, और आप 100% उनको कवर नहीं कर सकते, तो आप सैम्पलिंग के जरिए उनके रिजल्ट देख लेते हैं कि वो रिजल्ट पॉजिटिव हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर नेगेटिव हैं तो रिजेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस दैट अ सैम्पल रिप्रेजेंट द होल लॉट फ्रॉम विच द sample is drawn. In this method, samples are taken out and they are carefully inspected to detect defects. On the basis of number of defects found, the lot is accepted or rejected. If defects are few, lot is accepted. If it is rejected when defects are more. देखें, आपने पेंस बनाए, पेंस की को फिर आपने कई लॉट्स की शक्ल दे दी, जिसमें एक लॉट के अंदर काफी सारे पेन वहां पर मौजूद है। अब क्या है कि आप अगर एक एक पेन को आप देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि जस्ट इन टाइम के मुताबिक यू हैव टू डिलीवर योर पेन्स और एनी फिनिश गुड्स टू योर क्लाइंट्स इन टाइम। तो क्या है कि आप यू विल चूज सम सैंपल्स फ्रॉम देम एंड आप उसको निकाल कर उसकी क्वालिटी को चेक कर लेंगे, अगर वो क्वालिटी उसके मुताबिक अच्छी होगी तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना उस लॉट को आप रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बहुत एक अहम टूल होता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, जिसे कहते हैं कि आप सैंपल्स के जरिए आप पूरी उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसकी मिसाल देखें कि जिसने चावल की एक बोरी है और आप पूरी बोरी को देखने के बजाय चंद चावल को अपने हाथ में लेते हैं और उसकी क्वालिटी को अंदाज़ा लगा लेते हैं, सेम इसी तरीके से
कि अगर आपने पेन को मैन्युफैक्चर्ड किया और वो उसकी काफ़ी सारी लॉट्स में उसकी फिनिश शेप में वो मौजूद है, तो आप क्या करते हैं कि लॉट से कुछ सैंपल्स निकालते हैं, उनको चेक कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करते हुए फिर क्या करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वरना अगर वो उसके मुताबिक ना हो तो वो आप उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक दस एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज यूज टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस ऑफ अ लॉट विदाउट हैविंग एग्जामिन्ड द एंटायर लॉट, देयर बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमी ऑफ इंस्पेक्शंस। अब ये बड़ा हेल्पफुल होता है सैम्पलिंग आपके लिए, आपको डिसीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आप इसके ज़रिए लॉट को एग्जामिन कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर आप वन बाय वन करें तो आप बहुत बहुत टाइम टेकिंग और पेनेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग आपकी बहुत हेल्प आउट कर रहा है। तो ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के एडवांटेजेस अब जनाब आपको क्या मिल रहे हैं, इट हेल्प्स प्रिवेंट डिफेक्ट्स फ्रॉम बीइंग मेड, असाइनिंग कॉजेस सिग्निफाइंग डेविएशंस इन क्वालिटी एंड डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड, कॉस्टली रिवर्क, रिजेक्शंस एंड स्क्रैप आर अवॉइडेड। अच्छा, ये आपकी आपकी मदद कर रहा है, डिफेक्ट्स को रोकता है जो मतलब ज़्यादा आ सकते हैं लेकिन इसकी वजह से कंट्रोल हो सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी काम को अगर रिवर्क करना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उससे आपको आपको बचाता है, रिजेक्शंस की तरफ जाने से बचाता है, क्योंकि आप पहले से ही तमाम चीज़ों को सेट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी सेट कर लेते हैं, उसकी तमाम चीज़ों को आप स्टेटिस्टिकली सैम्पलिंग के जरिए देख रहे होते हैं, चीज़ों को स्क्रैप होने से भी ये अवॉइड करता बचाता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है, ये बहुत हेल्प आउट करता है चीज़ों, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उनको डिफेक्ट से भी बचा रहा है। ठीक है, उसकी डिफरेंट सिग्निफाइंग डेविएशंस जो क्वालिटी के अंदर आ सकती हैं, डिटेक्ट हो सकती हैं, उनको जो वर्क है उसको रिवर्क होने से बचा रहा है आपको, उसकी कॉस्ट आपकी बच रही है, रिजेक्शन बच रही है और स्क्रैप होने से भी बच रहे हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि देखें ना स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से आपने कंट्रोल चार्ट्स के जरिए हर चीज़ को आप देख रहे हैं, हर बंदा क्वालिटी के अंदर अपना रोल अदा कर रहा है, क्वालिटी हर स्टेप पर कंट्रोल है, तो क्या हो रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा कॉस्ट बच रही है और रिजेक्शंस भी आपकी बच रही है। सेकंड एडवांटेज क्या हो सकता है, इट आल्सो हेल्प अवॉइडेंस ऑफ द रिस्क ऑफ एक्सेप्टिंग बैड लॉट। मैंने बताया कि अगर लॉट के स्वरूप में आपकी फिनिश गुड्स पड़ी हैं और हर लॉट को आप प्रॉपर सैम्पलिंग के जरिए चेक करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो बहुत रिस्क कम हो जाता है कि कोई आप बैड लॉट या गलत लॉट जिसमें ज़्यादा रन उसको एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, तो ये इसका सेकंड जो है वो उसका एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज में क्या है जी, ये जब आप देख ही सैंपल्स को रहे हैं तो क्या है कि आप एसक्यूसी अवॉइड इंस्पेक्शन ऑफ द एंटायर लॉट, तो आपका टाइम बच रहा है, आपको पूरी लॉट नहीं देखनी पड़ रही। ठीक है, तो ये एक बड़ा, ये भी एक एडवांटेज होता है, मैंने आपको बताया था अगर टाइम बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ेगी, टाइम एंड कॉस्ट बढ़ेगा तो आपकी आपको प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पर अमल करते हुए आप क्या कर रहे हैं, आप जो है एंटायर लॉट के बजाय एक सैम्पलिंग के जरिए जो उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो ना सिर्फ आपका टाइम भी बचा रहा है बल्कि आपकी कॉस्ट भी बचा रहा है। तो ये आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया, आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।